नमस्कार दोस्तों, तन्हीज रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही डिलीशियस एक डेजर्ट, एप्पल खीर यानी सेब का खीर। बच्चे अगर सेब खाना नहीं चाहते हैं तो उसे इस तरह खीर बना के आप खिला सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। एप्पल खीर यानी सेब की खीर बनाने के लिए मैंने ले लिया 2 सेब, 1 लीटर दूध, 1/2 कप चीनी, काजू, किशमिश, पिस्ता, बादाम और थोड़ी सी छोटी इलायची का पाउडर। सबसे पहले सेब का छिलका उतार के कद्दूकस कर लेंगे। कढ़ाई में दूध गर्म होने के लिए डाल देंगे। फ्लेम को मीडियम रखेंगे। दूध को दूसरे चूल्हे में शिफ्ट कर देंगे। उस चूल्हे में हम एक तवा चढ़ाएंगे। तवा थोड़ा गर्म होने के बाद उसमें डाल देंगे कद्दूकस किया हुआ सेब यानी एप्पल। लो फ्लेम में इसे पकाएंगे। एप्पल में एसिड है इसलिए इसका जो पानी है उसे हम सुखा लेंगे। कलर चेंज होने तक हम एप्पल को पकाते रहेंगे। एप्पल का जो पानी है उसे हम एकदम सुखा लेंगे, नहीं तो दूध में अगर एप्पल को डाल दे तो वो दूध फट सकता है। लो फ्लेम में लगातार चलाते हुए हम एप्पल का जो पानी है उसे सुखा लिया है। देखिए एकदम पानी सूख चुका है और कलर भी बिल्कुल चेंज हो गया है। अब हम इसे साइड में रखेंगे। दूध को फिर से इस चूल्हे में हम शिफ्ट कर देंगे। 1 लीटर दूध को हम 1/2 लीटर में बना लेंगे। बीच में चलाते रहेंगे ताकि दूध नीचे लग ना जाए। दूध एकदम गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे चीनी। यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच चीनी का इस्तेमाल किया है। आप अपने स्वाद के अनुसार चीनी डालना। दूध का जो मलाई है उसे हम ऐसे थोड़ा दूध के साथ मिला देंगे। अब हम उसमें डाल देंगे पकाया हुआ सेब। दूध के साथ अच्छे से मिला देंगे। फ्लेम को लो रख के हमें इसे पकाना है। हाई फ्लेम में बिल्कुल भी ना करें। एक चुटकी नमक डाल देंगे। मिठास ठीक रखने के लिए हम नमक डालेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे कटा हुआ काजू, किशमिश, कुछ बादाम,
और थोड़ा सा पिस्ता। ड्राई फ्रूट्स आप अपने अनुसार इस्तेमाल करना। और डालेंगे 1/4 चम्मच छोटी इलायची का पाउडर। फिर सब कुछ अच्छे से मिला लेंगे। और 3 से 4 मिनट इसे पका लेंगे। फिर गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। सेव का खीर एकदम तैयार है। इसे हम एक प्याली में निकाल लेंगे और ठंडा ठंडा सर्व करेंगे। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट बॉक्स पे अपना कमेंट ज़रूर डालें। सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं। पास में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आप मेरी कोई भी वीडियोस मिस ना करें। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर लौटेंगे कोई नई रेसिपी को लेकर। तब तक के लिए अलविदा।